स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे किंग विराट कोहली की। जी हाँ, विराट कोहली इन दिनों बहुत ज्यादा बुरे फंसे हुए हैं। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि T20 से विराट कोहली का जो पत्ता साफ है वो BCCI करने में लगी हुई है। अब ऐसा क्यों है वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक जगह और विराट कोहली बहुत ज्यादा बुरे फंस गए हैं, वो है उनकी रेस्टोरेंट की चेन 18 कम्यून, जो आपको पता ही है कि विराट कोहली क्रिकेट के अलावा उनका बिजनेस भी है, जिसमें उनका एक रेस्टोरेंट है 18 कम्यून की, अलग अलग जगह पे, जिसे बोले कि उनके आउटलेट हैं, फ्रेंचाइजी कह लीजिए या उनकी ब्रांच कह लीजिए, अलग अलग जगह पर देश के कई शहरों में उनकी फ्रेंचाइजीज हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, कई जगह है। अब वो फंसे इस तरीके से कि वहां पे एक विवेक नाम के शख्स जो तमिलनाडु से हैं, वो बॉम्बे आए और उन्होंने 18 कम्यून रेस्टोरेंट में जब वो गए तो उनको अंदर जाने से रोक दिया गया। अब वो रोका इसलिए क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि जो उनका जो ड्रेसिंग थी, जो उनके जो कपड़े थे जो उन्होंने पहने हुए थे, जिसकी वजह से उनको रेस्टोरेंट में जाने नहीं दिया। उनके कपड़े क्या थे, उन्होंने शर्ट के नीचे जो उनका ट्रेडिशनल जो ड्रेसअप रहता है तमिलनाडु में, कि लुंगी, शर्ट के नीचे लुंगी उन्होंने पहनी हुई थी। और ऐसा भी नहीं है कि कोई खराब किस्म की या उस तरीके की लुंगी या शर्ट उन्होंने पहनी थी, ब्रांडेड जिसे बोले कि उन्होंने लुंगी और शर्ट को वहां पे पहना था। लेकिन जब वो एंट्री के लिए जाते हैं तो वहां पे उनको रोक दिया जाता है। और उसके बाद जो विवेक जी हैं जिनको रोका जाता है, तमिलनाडु से वो हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर ये पोस्ट भी किया है और उसमें बताया है कि भाई विराट कोहली को इस मामले में तुरंत इसकी सफाई देनी चाहिए, इस मामले में ये बताना चाहिए कि मेरे अलावा जब बाद में ये सारी चीजें हों, कोई और आए ऐसे ड्रेस में, तो उनको ना रोका जाए। तो उन्होंने पूरा ट्विटर पे वीडियो पोस्ट किया है और सारी चीजें अपनी बताई हैं कि उन्होंने शर्ट भी ब्रांडेड पहनी है, लुंगी भी ब्रांडेड पहनी है, और जिसकी वजह से उनको रेस्टोरेंट में जाने से रोक दिया। एक समुदाय है जिन्होंने इस पे आपत्ति भी जताई है और ट्विटर पर एक तरीके से नाराजगी भी जताई है। वो समुदाय का नाम है LGBTQIA+। ये जो एक समुदाय है, जो कि मैं इसकी फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूँ, एब्रिविएशन फॉर लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीन, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल, तो ये इनकी जो फुल फॉर्म है। ये एक समुदाय है जिन्होंने इस पे आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर इनको बहुत ज्यादा समर्थन भी देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है, दिल्ली में जो उनका रेस्टोरेंट है वहां पे भी कई बार चीजें ऐसी हो रखी हैं जिसकी वजह से विराट कोहली मुसीबतों में आए हैं। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि विराट कोहली को खुद सामने आकर, क्योंकि विराट कोहली से एसोसिएटेड है, विराट कोहली का ये जो रेस्टोरेंट है वो उनके नाम से चलता है, तो उनको आकर इसकी सफाई देनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि आगे जाके फ्यूचर में ऐसी चीजें ना हो। विवेक जी का ये ट्वीट था और उन्होंने ये नाराजगी जताई और पूरा बाकायदा वीडियो बनाया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। अब देखते हैं इसमें विराट कोहली कब आकर सफाई देते हैं या नहीं भी देते, क्योंकि विराट कोहली बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं। अब देखते हैं आगे चल के चीजें कैसी होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किया है स्पोर्ट्स नाउ को तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।